नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। ममता बनर्जी धर्म और समाज को वोट के समय तोड़ने वालों से सभी हिंदी भाषियों को सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि जहां शांति और विकास है वहीं व्यापार और उन्नति है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वोट के समय बंगाल विभाजन की बात करने वाले आपके हितैषी नहीं हो सकते। यूपी के लखनऊ में डीजीपी की चेतावनी के बाद भी विवेक तिवारी हत्याकांड में यूपी पुलिस ने आज काला दिवस मनाया। यूपी पुलिस की काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाएं जोरों पर हैं। नाका थाना की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मामले पर उच्चाधिकारियों ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कानून व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुए चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को सत्ता से अब बाहर हो जाना चाहिए। वहीं महागठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का उद्देश्य महागठबंधन कर देश को सही स्थिति में लाना है, जो कि बीजेपी सरकार में बुरे दौर से गुजर रही है। पेट्रोल के दामों की कमी को लेकर संजय सिंह ने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम में कमी बीजेपी सरकार आने वाले चुनाव से ताल्लुक रखती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की घोषणा की है। इस घोषणा से तेल के दामों में 5 रुपए तक की कमी आने की संभावना है। अब यहां पेट्रोल 78 रुपए 21 पैसे लीटर और डीजल 70 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में पर लीटर 2.5 रुपये की कमी की है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए आभारी हैं। इससे काफी राहत आम जन को मिलेगी। आज हर व्यक्ति जानता है कि डीजल पेट्रोल के जो वर्तमान दाम हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने के कारण इसका सीधा प्रभाव भारत के बाजार पर और भारत के अंदर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर पड़ रहा है। भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी थाना एसएचओ के रीडर जितेंद्र जाट उर्फ जीतू को दौसा एसीबी ने 25,000 के रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के शर्मा ने बताया कि गत दिनों 75 लाख की ठगी का मामला सामने आया था। उसमें अनेकों लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं में से एक आरोपी को बचाने के एवज में मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी के रीडर ने एक आरोपी को बचाने के एवज में 25,000 रुपए मांगे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, जिसके कब्जे से 25,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। आरोपी को मानपुर थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। हमारे ब्यूरो कार्यालय दौसा में जनक राज मीना परिवार ने आगे एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका मामा का लड़का, जिसका नाम दिनेश कुमार मीना है, उसके साले को नंदीपुर बालाजी थाने में गिरफ्तार किया हुआ है। एक 400 बीसी के मुकदमे में, जिसमें दूर को गलत बताया गया है और अब उसे रिवर करने के लिए और उसका दाम निकालने के लिए या मदद करने के लिए उसके 25,000 रुपये जितेंद्र और जीतू, जो कि एसएचओ का लीडर है, वो उसे डिमांड कर रहा है। राजस्थान के चौमू कस्बे में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहे। लगातार एक के बाद एक हादसे सामने आते रहते हैं। शहर के आबादी क्षेत्र में नगर पालिका के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग की लपटें उठने लगी।
घटना के बाद आसपास के दुकानों पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि ट्रांसफर के पास में ही दुकानें हैं और राहगीरों का आना जाना रहता है, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। वहीं सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लोगों को एक बारगी यह विश्वास भले ही हो गया कि प्रदेश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन जनता के साथ किए गए हर चुनावी वादों पर बीजेपी सरकार विफल साबित हो रही है। कुशीनगर जनपद के विकास खंड मोतीचक के लक्ष्मीपुर मथौली गांव में अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम प्रधान द्वारा लाखों रुपए के सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जहां के ग्रामवासी सामूहिक अनशन कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अनशन के कुछ ही घंटे बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने कार्रवाई कराने का आश्वासन देकर अनशन तो समाप्त करा दिया, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, यह भविष्य के गर्त में है। जैसा कि ये देख रहे हैं, पीछे हमारे सारे साथी मौजूद हैं, सर 2010 से लेकर और 15 के बीच में ये पूर्व प्रधान जो थे हमारे, वो कार्य कराए थे और सेम वही 2016-17 में वही खड़ंजा वही चीज दिखाकर इसमें पैसा पास किया गया है फर्जी तरीके से, जिसमें यूपी के बरेली में मुर्दों का बीमा कराने वाले धोखेबाज होटल कारोबारी समेत दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी शाकिब ने बताया कि उसने करीब एक दर्जन बीमा कंपनियों को करीब 2 करोड़ से अधिक का चूना लगाया, जबकि अधिकारियों का कहना है कि ये रकम 2 करोड़ से अधिक भी हो सकती है। पुलिस लाइन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने बताया कि ये गैंग बरेली के अलावा कई अन्य जिलों तक फैली हुई है। उनका कहना है कि मामले में अभी कई लोगों के नाम सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसमें 2 व्यक्तियों के नाम सामने अभी तक आए हैं। ये 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, शाकिब और सकीम। इसमें ये लोग मरे हुए लोगों का, जो लोग मर जाते थे उनका बीमा कराते थे, बीमा कराने के बाद उनकी इंस्टॉलमेंट देते थे, इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट दी और उसके तकरीबन एक साल बाद बीमा कंपनी में क्लेम डाल के क्लेम ले लेते थे। ऐसा करके करोड़ों रुपए इन्होंने अब तक कमाए हैं और कई संपत्तियाँ, अवैध संपत्ति अर्जित की हैं इस तरह की। उसमें कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं अभी, जिन लोगों ने, जैसे उसमें बीमा कंपनी का एरिया मैनेजर है या जो भी उसमें कर्मचारी रहे हैं, जिन्होंने जिनकी मिलीभगत से बीमा किया जाता था और बाद में क्लेम लिया जाता था, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कुछ दिन अभी 2-3 साल पहले तक उसका कोई उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसा कि अभी तक की जांच में निकल के आया है कि बहुत कुछ ही सालों में काफ़ी संपत्ति उसने अर्जित की है और ऐसे जाँच में तथ्य निकल के आ रहे हैं कि यही सब काम करके इसने अवैध संपत्ति अर्जित की है। जयपुर के महेश नगर फाटक स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों में ड्रेस कंपटीशन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। किसी ने पुलिस तो किसी ने महात्मा गांधी बनकर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया। मिश्रा सर का बेटा राजस्थान के केकड़ी में सफाईकर्मी भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर वाल्मीकि समाज पिछले 2.5 महीने से धरने पर है, लेकिन सरकार ने इन लोगों की मांगों को अनदेखी कर रखा है। इससे शहर में गंदगी का आलम हो गया है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगरपालिका के सामने धरने पर बैठे सफाईकर्मियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरने से नहीं उठेंगे। नौ अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उनके दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि सर छोटू राम तो किसानों के मसीहा थे, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों का लगातार शोषण किया है। प्रधानमंत्री को इस प्रोग्राम में बुलाना ही नहीं चाहिए था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री रोहतक में सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं। साथ ही तेल के दाम घटाने पर तंवर ने कहा कि ये फौरी तौर पर राहत है, इससे जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली।
राजस्थान के पोखरण में आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि अवसर पर बाबा रामदेव का श्राद्ध समारोह मनाया गया। इस अवसर पर बाबा की समाधि को फूलों से विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया। श्राद्ध कृष्ण पक्ष की एकादशी के अवसर पर बाबा रामदेव के वंशज गादीपति राव भूम सिंह तंवर ने समाधि स्थल पर विधि विधान के साथ बाबा रामदेव जी का श्राद्ध समारोह मनाया। इस अवसर पर विशेष रूप से खीर पूरी हलवा सब्जी सहित विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर पहले कौओं को भोजन करवाया गया। उसके पश्चात सभी ब्राह्मण बंधुओं सहित दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को श्राद्ध का भोज खिलाया गया। श्राद्ध समारोह में दिन भर दर्शनार्थियों का आना जाना रहा। सात दिन पहले नगर पालिका ईओ राकेश कुमार रंगा के एपीओ आदेश निरस्त होने पर भाजपा ने खुशी जताई है। ईओ ने फिर से कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष और ईओ के आपसी तालमेल नहीं होने के चलते ईओ को एपीओ कर दिया गया था, लेकिन एपीओ आदेश निरस्त होने के बाद भाजपाइयों ने खुशी मनाई। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई शहर के बाजार बंद रहे। व्यापारी बाणगंगा नदी में बांदीकुई का पानी सप्लाई के लिए खोदे जा रहे नलकूपों को असामाजिक तत्वों द्वारा बंद करने का विरोध कर रहे हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष गगन सिंघल ने बताया कि बाणगंगा में खोदे जा रहे नलकूपों का काम सुचारू करवाया जाए और असामाजिक तत्वों के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। व्यापार संघ और सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में महिला कॉलेज की जमीन पर कब्जा जमाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन भी कस्बे के बाजार बंद हैं। बता दें कि जमीन कब्जा जमाने का आरोप राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर है, जिसके विरोध में छात्राएं आज मौन जुलूस निकालेंगी। ऐसे में कस्बे में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष दयाराम प्रजापति रहे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। उन्होंने अपनी बातों में यह बताया कि मुख्यमंत्री अनपढ़ हैं और पुरानी योजनाओं का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से यह समस्याएं आ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान जिसमें उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़कर बंदरों को भगाने की बात कही थी, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को ही शिलाजीत चाटने वाला लंगूर तक कह दिया। यूपी के हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष राजमाता सफाली सिंह सरीला ने एसडीएम वीर बहादुर यादव से खुलेआम बदतमीजी करती नजर आई। सफाई अभियान के दौरान एसडीएम वीर बहादुर यादव ने सरीला नगर पंचायत में भ्रमण किया तो उस समय सफाई कर्मचारी मौजूद न होने के कारण उन्होंने सफाई कर्मचारियों के मानदेय वेतन में कटौती कर दिया। तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष राजमाता सिफाली सिंह कर्मचारियों को लेकर एसडीएम सरीला वीर बहादुर यादव के आवास पर पहुंची और अभद्रता की। उत्तर प्रदेश के मलहीपुर इलाके में एक महिला ने स्थानीय निवासी तीन युवकों पर घर में घुसकर रेप के प्रयास का आरोप लगाया है। तहरीर के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का पुलिस पर आरोप है कि जब पुलिस चौकी पर शिकायत करने गई तो चौकी इंचार्ज ने उसे भगा दिया। तब थकी हारी थाना मलहीपुर पहुंची तो इंस्पेक्टर 2500 रुपए लेकर छेड़छाड़ की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा लिखा। हालांकि पीड़िता ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी एक महिला ने आकर के 20 तारीख 20 सितंबर की घटना के बारे में बताया, जिसमें उसका कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करी गई।
इस संबंध में चौकी पर जानकारी दी गई है। प्रथम दृष्टया मामला बच्चों की लड़ाई का प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा सीओ को जांच दी गई है। सीओ से हम जाकर के जांच करेंगे और जैसे ही बात निकल कर आती है उस आधार पर विधिकार। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में गोंडा जनपद के तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने ईवीएम के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए लोगों से आह्वान किया कि आप सब इसका विरोध करें। बीजेपी ने ईवीएम को टेंपर कर 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, वहीं 2017 में भी ईवीएम के बल पर उत्तर प्रदेश पर काबिज है। आप सब लोग अपने बूथ स्तर पर मतदाता सूची लीजिए, नाम बढ़ाए जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, उस पर आप आपका ध्यान रहना चाहिए। और जनता को ये भी बताने आए हैं कि ईवीएम मशीनों से चुनाव होता है तो उस पर छेड़छाड़ होती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर चुनाव प्रणाली में अगर दोष होगा तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। हमें आप सभी पत्रकार भाइयों से भी उम्मीद है कि आप हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर ये बात उठ चुकी है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एंटी रोमियो अभियान की हवा पूरी तरह निकली दिखाई दे रही है। आलम यह है कि शहीदों के आतंक के चलते दो सगी बहनें पढ़ाई छोड़कर बीते एक महीने से अपने घर में कैद हैं और तमाम शिकायतों के बाद भी स्थानीय पुलिस और महकमे के जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मामला रामनगर इलाके के पुरैना गांव का है, जहां गांव के ही तीन दबंग शहीदों ने दो सगी बहनों का जीना मुहाल कर रखा है। तीनों शहीद स्कूल जाते समय रास्ते में दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और अश्लील कमेंट करते हैं। शहीदों की हरकतों का विरोध करने पर तीनों शहीदों ने लड़कियों के पिता की भी पिटाई कर दी, जिसके बाद दहशत में आई छात्राएं अपने पिता के साथ थाने से लेकर एसपी तक मामले की शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जाते हैं तो उसको पकड़ते हैं और उसको अंधी गंदी कहें तुमको वहाँ ले चली, को वहाँ ले चली, और सब यही सेलखानी करते हैं और अंधी गंदी। और हम उनके घर उनकी माँ से कहते हैं तो हमको हार में पा जाते हैं, अकेले आस मारते हैं, नखुना मुँह से खून हमरे गिरे लाग है। दो थाने गए हैं, थाने बेहोश हो गए हैं, अप्लीकेशन लिख लें, हमसे कहें जाइए सबे आएंगे, और आज तलुक आज तलुक वहाँ पर हमने यहाँ नहीं आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे गांव के फला वो कृष्ण मोहन, सुगोविंद और प्रदीप, वो दोनों लोग तीनों लोग हमको गाली दे रहे हैं। हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में हमको छेड़छाड़ करते हैं और हम थाने पर गए तभी हमारी सुनवाई नहीं हुई, और यहाँ एसपी के पास गए तभी नहीं सुनवाई हुई, और यहाँ हम वकील साहब के पास आए हैं तो हो सकता है कोर्ट पर। नहीं तो करते क्या है वो लोग, क्या दुश्मनी है कोई की, छेड़छाड़ करते हैं खाली, क्या करते हैं वो लोग, छेड़छाड़ करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें स्थानीय लोगों में कोतूहल का विषय बना हुआ है। दरअसल मामला राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर का है, जहां एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अजीबोगरीब रोशनी कैद हो गई, जहां परिवार वालों का कहना है कि ये रोशनी पिछले कई महीनों से दिख रही थी, जबकि 28 सितंबर को इस पर ध्यान दिया। वहीं कई लोग इसे अदृश्य शक्ति मान रहे हैं। वैज्ञानिक जांच करें या संवाददाता इसको परीक्षण करके बताएं कि ये है क्या, बीच कैंपस से गुजरी है। आपके जीवन में इस तरह की कोई घटना, कोई इस तरह की कोई घटना है? बराबर मैं देखता हूँ एलियंस को, मैं देखता हूँ, ऐसे मैंने देखा कि ऐसे कांधा बना हुआ है, कि ऐसे चेहरा है, ऐसे कांधा है, यहाँ तक की तस्वीर मैंने देखा। अभी पीछे उजाड़े में मैंने देखा, उजाड़े में देखा, मैंने बुला के लोगों को दिखलाया भी, लोगों ने देखा भी। तो एलियंस को भी आपने देखा है? एलियंस को भी मैंने देखा।
उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा मनोरमा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और दूसरी ओर प्रदेश में समाज कल्याण के अधिकारी बेटियों को उनके हक से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि लोगों को मिलने वाली पेंशन को यथाशीघ्र लाभार्थियों को दिलाने और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर निर्देश देने का कष्ट करें। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे आयुक्त नियम साहब के माध्यम से और मैं ये डबल इंजन की सरकार को बताना चाहती हूँ, ये मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो हरीश रावत जी की सरकार ने जो योजनाएं पास की हुई थी और भाजपा सरकार डबल इंजन जी की सरकार उस पर कुंडली मार कर बैठी हुई है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो या वो गौरा देवी कन्या धन योजना हो, सब में क्या आप लोग इसीलिए सारी योजनाएं आपने बंद कर दी है और बंद भी की है, बंद करने के साथ साथ आपने सारी योजनाओं पे पानी फेर दिया है। इसीलिए मैं दरखास्त करना चाहती हूँ भाजपा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन योजनाओं को। उत्तराखंड की कोटद्वार पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूट की पीली धातु की चेन, एक टाटा कार, जेवरात तोलने का डिजिटल तराजू सहित 3 मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें कि 25 सितंबर को एक वृद्ध महिला से ठगी करने के मामले में थाना कोटद्वार में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कोटद्वार कोतवाली में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार काम किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने चैकिंग के दौरान कोड़िया कैंप के समीप टाटा टियागो को रोका तो उसमें सवार 3 अभियुक्तों की चैकिंग की गई। उनके पास से ठगी का सामान बरामद हुआ तो वे पकड़े गए। अभियुक्त पूर्व में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में ठगी के कई मामलों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक महिला से सोने की चेन ठग ली थी, इसकी घटना पे जैसे सूचना पुलिस को मिलती तो हम लोग तुरंत मौके पे जाकर के अपनी टीमें गठित करते हैं, सभी वाहनों की चेकिंग करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे भी चेकिंग की गई और होटलों की भी चेकिंग की गई। तो तब से ही हमारी टीमें जो है SHO कोटद्वार और CIMB की टीमों के साथ हमने अलग अलग जनपदों में भी टीमें भेजी, तो हमारी टीमों ने मेहनत करके कुछ जानकारी जुटाई। इसी जानकारी के क्रम में कल कोड़िया कैंप के पास से एक दिल्ली नंबर की गाड़ी 9656 चेकिंग के दौरान मिली। पर्वतारोही बछेंद्र पाल ने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर स्वच्छ गंगा अभियान के तहत मिशन गंगे की शुरुआत की। लगभग 40 लोगों की टीम के साथ पहुंची बछेंद्र पाल ने हरिद्वार के CCR टावर से सफाई अभियान शुरू किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी अभियान की शुरुआत करने हर की पैड़ी पर पहुंचे। पर्वतारोही बछेंद्र पाल की टीम में शामिल अलग अलग क्षेत्रों से आए युवक और युवतियों ने हर की पैड़ी और आसपास के कई घाटों पर सफाई अभियान चलाया। बछेंद्र पाल ने बताया कि गंगा में स्वच्छता लाने और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मिशन गंगे अभियान की शुरुआत की गई है। 3 दिनों तक हरिद्वार में सफाई अभियान चलाने के बाद टीम रवाना होगी। गंगा में राफ्टिंग करते हुए 1500 किलोमीटर कई जिलों से होते हुए करीब 1 महीने में टीम वाराणसी में अपना अभियान समाप्त करेगी। ये जो हमारा मिशन गंगे का जो ये अभियान है उसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो है कि क्लीनिंग करना, हमारे 40 लोगों की टीम है जिसमें IITians हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं और रेडियो जॉकी और ऐसे एक बहुत ही डाइवर्स टीम है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही नॉलेजेबल टीम है। और एक तो इनको क्लीनिंग करना है, सफाई करना है घाटों में जहाँ पर भी, दूसरा है कि लोगों में जागरूकता लाना है। पहले से अगर मैं कहूं कि सरकार के आने के बाद मोदी जी की, उन्होंने एक अपने हाथ में चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चाहे नमामि गंगे है, स्वच्छता है, ये ऐसे देश के सामने एक दृष्टिकोण रखे जिसमें सारा देश खड़ा हो गया। आज नमामि गंगे, भारत सरकार और टाटा स्टील, इन सब ने मिलकर एक जन जागरण अभियान शुरुआत हरिद्वार से और गंगा सागर तक जाए, और उस अभियान में कल जब इनका पूरा प्रतिनिधि मंडल आदरणीय बछेंद्र पाल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आज हरिद्वार आया और 3 दिन हरिद्वार में रहकर और इस अभियान को और गति दे, इस अभियान के माध्यम से और जन जागरण अभियान शुरू हो।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।